एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वा स्टार ईपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो कि काफ़ी सालों से हम दिन और रात जो है लगे रहते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर को लेके। हमारा मोटिव यही रहता है कि हमारे जो आम इंसान हैं, हमारे जो आम द्वीपवासी हैं, उनका जो भी हेल्थ केयर को लेके या फिर उनका ट्रीटमेंट को लेके, उनके परिवारजनों का लाइफ सेव करने के लिए जो भी स्टेप्स करना होता है, उसमें सहायता करना, ये सब को लेके जो भी काम हम लोग करते हैं, हम देखे हैं कि हम लोग आगे तो आते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्थ सेक्टर बोलिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो दिखता नहीं है। और ये हकीकत है, मैं पर्सनल अटैक किसी को नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब अपना छवि को ऊपर करने के लिए या किसी का छवि को नीचे करने के लिए ये विषय में बिल्कुल मत जाइए, ये सोच में भी मत जाइए, क्योंकि जिसको जब प्रॉब्लम होता है उनको पता चलता है कि वो उस वक्त का तकलीफें क्या होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम आपके सामने आज जो विषय को लेकर आए हैं, इसे ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वो नहीं तो ये सही बात ये हम कर सकते हैं कि जब हम कोशिश करते थे, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते थे, जब हम हेल्थ केयर सर्विसेज से हम रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा करिए वैसा करिए, तो हो सकता है कि एक 20 जन के बीच में एक दो जन का हेल्प हो जाता था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो अधूरा ही रह जाता था, कुछ ना कुछ विषयों को लेकर वो पीछे रह जाते थे, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। और अगर वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी जाते हैं, जब हम जैसे लोग जाके दो चार बात बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे, उनको आगाह करते थे कि हम लोग कंसर्न है वो पेशेंट के लिए जो मेनलैंड में गए हैं, उनको जो है हेल्प चाहिए, तब जाके हमारे वजह से जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बोले या फिर यहाँ का हेल्थ केयर सर्विस के लोग बोले, उन लोग थोड़ा केयर करते थे और उनका उन तक हेल्प पहुँचता था। कोशिशें हमारा यही है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जैसा ज्योग्राफिकल जोन में पड़ता है, हमारे लिए प्रायोरिटी हेल्थ सर्विस होता है, क्योंकि बाकी पानी भी नहीं रहा तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, रोड भी नहीं रहा तो हम लोग बाई शिप जा सकते हैं या हेली का प्रोविज़न ले सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ का अगर हेल्थ केयर सर्विस ही ठप रहता है तो ज़िंदगी कैसा बचाया जाए? अगर ज़िंदगी बचाने का पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में भी रहता है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट, उनके लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, उनको हम कहाँ से लाएँ रातों रात? तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम दोनों मतलब यहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, इसको देखते हुए ये खुद भी अंडमान से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन शी इज़ ए डॉक्टर मिस सोनिया जी एंड उनके सहयोगी है अमित कुमार जी। तो आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जैक्टली हम उनके लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ या फिर क्या हेल्प उनके लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट आप सर्विसेज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे देके भी जो है सही ट्रीटमेंट, पैसे देके भी जो है सही जगह पर जो है नहीं पहुँच पाते हैं यहाँ के लोग। तो हम जैसे लोग जैसा चाहते हैं कि हम यहाँ से जो पेशेंट्स को भेजें बाहर में, या फिर उनको जो एग्जैक्टली चाहिए, या फिर उनको जो बोला जा रहा है वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ को कंफर्मेशन के लिए एक हेल्पिंग हैंड जो है हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आगे मैं गुजारिश करूंगा हमारे सोनिया मैम जी से कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं एग्जैक्टली उनके लिए। थैंक यू अंशुमन। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया बासु हूँ। मैं पोर्ट ब्लेयर में ही पली बड़ी हूँ। आई एम बॉर्न इन पोर्ट ब्लेयर
और यहाँ की लोकल हूँ, पर मैंने MBBS बाहर से किया और अब मैं बाहर सेटल हूँ। पर हमेशा ऐसे लगता था कि टू गो बैक टू द कम्युनिटी, आके वापस कुछ अपने द्वीपवासियों के लिए कुछ करूँ। और बिकॉज मैं हेल्थ केयर में हूँ और काफ़ी मेरा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का, और मैं देखती हूँ कि कैसे फैसिलिटी दिया जाता है या कैसे कितना डिस्पैरिटी है हेल्थ केयर में और कितना वास्ट है हेल्थ केयर, जिसके चलते लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ, स्पेशली आइलैंड्स में, बिकॉज इतना दूर है, एक मेनलैंड से इतना दूर है और इतने चैलेंजेस है यहाँ हेल्थ केयर डिलीवरी में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो उसके वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं। मेरे खुद के फैमिली में मैंने देखा है, हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है जिससे हमको पता चलता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के एक्सेसिबिलिटी में, अफोर्डेबिलिटी में। और हेल्थ केयर जो है ये एक पर्सन का बेसिक राइट है, ये कोई किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या कोई उपकार नहीं करता है उसको एक अच्छा हेल्थ केयर देता है। अगर हेल्थ केयर जो है हर किसी का राइट है टू हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, तो इस ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया, एक सोच आया कि क्यों ना जाके कुछ किया जाए इन लोगों की हेल्प करने में, स्पेशली विद द नॉलेज विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन, उसके चलते मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ कि उनकी भी कुछ मदद हो सके, और स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हमको पता है कि आए दिन लोगों को होते हैं। तो जब मैं आई और मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे अंशुमन जी के बारे में पता चला कि ये बहुत लोगों को मदद करते हैं, बहुत हर कोई अंशुमन जी का नाम ले रहा था कि कोई भी पेशेंट को तकलीफ होती है तो ये आगे आते हैं, उनके लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठा करके उनको, कभी कभी अपना पर्सनल फिनांस डाल के उनको मदद करते हैं। उनका एक ही एम है कि ये इंसान ठीक हो जाए, उसकी दुआ मुझे मिल जाए, जो कि बहुत ही नोबल थॉट है। तो मैं ढूंढते ढूंढते उनके पास उनको मिलने गई और फिर मैंने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। जब भी कोई पर्सन को बीमारी होती है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से शुरू करते हैं कि किसी कोई पर्सन को कुछ तकलीफ होता है और वो जाता है किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर में जाता है, वहाँ से उसको किसी टर्शरी केयर रेफरल सेंटर में भेजा जाता है, जैसे GB पंत है वो एक टर्शरी रेफरल केयर सेंटर है जहाँ पे दूर दूर से आइलैंड से भी लोग आते हैं। पर ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस या फर्दर ट्रीटमेंट या आगे। एक पेशेंट का राइट होता है कि अगर उसको कोई चीज़ कन्विंसिंग नहीं लगे तो वो जाके किसी और से कंफर्म करा सके, कोई सेकेंड ओपिनियन ले सके, और ये सब चीज़ें इतने सारे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लगा कि इसको एड्रेस किया जाए। इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है जहाँ पे कि जो भी पेशेंट यहाँ पे बीमार होता है, वेदर वो GB पंत में जाता है या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता है या नहीं भी जाता है, उसको लगता है कि मुझे किसी और से भी एक ओपिनियन लेना चाहिए, किसी राइट स्पेशलिस्ट, पहले बात तो वहाँ से शुरू होता है कि मेरे लिए राइट स्पेशलिस्ट कौन है। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो एज अ डॉक्टर, आप एज अ पेशेंट, आपको समझ में नहीं आता कि मेरा पेट दुख रहा है एज अ फीमेल, तो ये गायनेक प्रॉब्लम है या सर्जिकल प्रॉब्लम है या कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है, क्या है। 10 लोग 10 तरह की बातें बताते हैं, आपको कन्फर्म नहीं होता है, कन्फ्यूजन वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरा राइट है एज अ पेशेंट कि मैं जाके एक दूसरा ओपिनियन ले सकूं। तो हमारी सर्विसेज वहाँ से शुरू होते हैं कि आपका डायग्नोसिस, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए राइट ट्रीटमेंट कौन सा होगा, जब आपका राइट डॉक्टर कौन सा होगा, और आप जब को डॉक्टर से बात करवाना हो, टेली कंसल्टेशन कराना हो, मेनलैंड में किसी डॉक्टर से कराना हो, इवन आपको लगे कि मुझे US के किसी डॉक्टर से कंसल्ट, आजकल टेक्नोलॉजी है, टेलीमेडिसिन है, इवन गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन का प्रचार करता है कि लेट्स बी कनेक्टेड डिजिटली, और इसके थ्रू जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं, तो वो प्रोवाइड करवाना। उसके बाद जब आपका एक बार राइट डॉक्टर डिसाइड हो जाता है, आपका डायग्नोसिस हो जाता है या प्राइमरी डायग्नोसिस हो जाता है कि चलो ये चीज़ें हो सकती है आपको, ये तीन, और उसके लिए ये टेस्ट लगेंगे, तो अगर वो पोर्ट ब्लेयर में होता है वेरी गुड, लेकिन अगर उसका भी रिपोर्टिंग का अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं मुझे मेनलैंड जाके ही सब करवाना है एक साथ, तो राइट फ्रॉम शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ चेन्नई में ही GB पंत से भी रेफ़र होते हैं, लोग भी प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, तो चेन्नई जाना, तो वहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो आपके लिए राइट हॉस्पिटल कौन है। लोग बड़े मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, बट लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, मुझे यहाँ जाना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनका शायद इतना नाम ना हो,
पर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो उस पेशेंट के लिए काफ़ी बेटर हो सकते हैं उस बड़े हॉस्पिटल से जहाँ जिसका उन्होंने नाम सुना हो, जिसका हमको नॉलेज है, तो हम पेशेंट को राइट एडवाइस दे सकते हैं कि आपके लिए ये हॉस्पिटल सही रहेगा, स्पेशली आपका फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, कि अगर आज मेरे किसी बड़े हॉस्पिटल में मेरे किसी चीज़ का कॉस्ट एस्टिमेट दिया जाता है कि आपको इस ऑपरेशन का 5 लाख लगेगा, वही क्वालिटी ऑफ केयर आपको हो सकता है 2 लाख रुपए में मिल जाए, लेकिन आज लोगों को पता नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, किसी ने बोल दिया आप इधर चले जाओ तो मैं चला जाता हूँ, तो ये सारा नॉलेज लोगों को देना, उनके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन होगा, ट्रीट हॉस्पिटल कौन सी होगी, किस कॉस्ट में उनका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद वो पेशेंट की मर्ज़ी है कि वो डिसाइड करे कि मुझे एक्स हॉस्पिटल में जाना है या वाई हॉस्पिटल में जाना है, गिवन एवरीथिंग, उनके जो भी बहुत सारे डिसीशंस रहते हैं, जो फैक्टर्स रहते हैं, जो लोग जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है ट्रीटमेंट को, पर्सनल, फिनेंशियल, ईजीली एक्सेसिबल, बहुत सारी चीज़ें रहती है, और उसके बाद जब उन लोगों ने चूज़ कर लिया तो जब वो चेन्नई पहुंचते हैं या उनको चेन्नई पहुंचाना भी रहता है, एयर एम्बुलेंस चाहिए, उनको पेशेंट को मेडिकली शिफ्ट करना है, जो भी करना है, इसे लेके रेगुलर पेशेंट जो वॉकिंग पेशेंट है उसको रेगुलरली एयरपोर्ट से लेना है, वहाँ से लेके वो जब हॉस्पिटल जाता है, ऐसा नहीं है कि मेनलैंड के हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर जाते हो एक आइलैंड से, आप इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जब एक आदमी जो शायद इतना पढ़ा लिखा भी ना हो या पढ़ा लिखा भी हो, नॉर्मल एक हो, हॉस्पिटल के नाम से कोई भी डरता है, कोई हॉस्पिटल खुशी खुशी घूमने तो नहीं जाता है, जाने के बाद इंसान लॉस्ट हो जाता है, उसको लगता है इतना बड़ा, और जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना कन्फ्यूजन, उसको लगता है इतना बड़ा हॉस्पिटल मैं कहाँ जाऊँ, कौन से काउंटर पे जाऊँ, लोग फिर उसको वहाँ पे, उनके लिए तो देखो हॉस्पिटल है, उनका डेली वर्क है, वो पेशेंट को बोलेंगे आप इधर जाइए, आप वो काउंटर में जाइए, एक पेशेंट है और उसके साथ उसका केयर टेकर है, मे बी दोनों सीनियर सिटीजन है, वो जाते हैं उनको बोलते हैं आप उस काउंटर पे चले जाओ, नहीं आप उधर चले जाओ, नहीं आप इधर चले जाओ, तो वो आदमी पहले ही परेशान, मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान, उसमें उसको 10 जगह घुमाया जाता है, तो यहाँ पे वी स्टेप इन और हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि एक हमारा टीम का पर्सन उनको रिसीव करता है, उनको बोलता है आप आराम से बैठिए, उनको जो भी पानी चाय पिला के बिठा देता है, उनका जो भी मूवमेंट है हॉस्पिटल के अंदर वो कोऑर्डिनेट करता है हॉस्पिटल वालों के साथ, और इस तरह वो उनका अगर एडमिशन है, टेस्ट है, जो भी है, वो सारा प्रोसेस जब तक उनका डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक हम उनको फ्लाइट में नहीं बिठा देते, हम उनको हेल्प करते हैं, अब उसमें चाहे उनको राइट एकोमोडेशन दिलाना हो, जैसे लॉन्ग टर्म स्टे है, 15-20 दिन रुकना है, ऑपरेशन है, उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आप 10 दिन के बाद फॉलो अप को आओ, अब पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई जाना, एयर टिकट, खर्चा, आना जाना, तो अगर आपको प्रेफर होता है कि आप वहीं रहना है आपको, तो उसको एकोमोडेशन दिलाना, उनको लोकल जो भी सपोर्ट लगता है, वी बिकम फैमिली टू देम, अब हम उनकी फैमिली है जो हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो अगर आप किसी के साथ कोई जाता है तो यहाँ पे बहुत बार मैंने मेरे खुद की फैमिली में मैंने देखा है कि हम मजबूरी में किसी को बोलते हैं हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे, आप लोग प्लीज़ हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए चलिए, लेकिन क्यों ये क्यों करें, जब आपका वो चीज़ बहुत ही मिनिमल और अच्छे से प्रोफेशनल लोग हैंडल कर सकते हैं, तो आप किसी और को क्यों उसका भी सब डिस्टर्ब करके आपको ले जाना ना पड़े, इसलिए ये सर्विस है। अब लोग 4-5 लाख खर्चा करते हैं सिर्फ किसी और को लेके जाने में, कोई अटेंडेंट लेने में, वही काम आपका अगर 5% 2% कॉस्ट में हो जाए तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट से मैं आई और मैंने अंशुमन जी को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि क्या सिचुएशन है और ये लोगों को सही में बहुत हेल्प करेगा, और इसलिए आज हमने ये सेशन रखा ताकि ये बात हम लोगों तक पहुंचा सके कि अब हम हैं और उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।